मलेशिया की मलाया यूनिवर्सिटी में 16 और 17 सितंबर को हुई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में देश के मास्टर एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 31 सदस्यीय भारतीय दल ने 27 मेडल जीते हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश के 4 एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर इन सभी एथलेटिक्स का शानदार स्वागत किया गया। हिमाचल के 4 और जिला के 3 एथलीटों ने कुल मिलाकर 7 मेडल भारत की झोली में डाले हैं। बुधवार को ढोल नगाड़ों की थाप पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हाल ही में मलेशिया के मलाया यूनिवर्सिटी यूएम स्टेडियम में आयोजित की गई है 16-17 सितंबर को, जो कि 13 देशों ने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उसमें मास्टर एथलेटिक इंडिया फेडरेशन के 31 खिलाड़ी थे, 31 खिलाड़ियों ने 27 मेडल जीते, जिनमें से 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 12 ब्राउन मेडल जीते। उन 31 खिलाड़ियों में हिमाचल प्रदेश के 4 खिलाड़ी थे। वाकई जब हम मैदान में जाते हैं तो हर कोई जीतने के लिए जाता है, भावना यही रहती है कि हम मेडल प्राप्त करें। मेडल प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूरी है, ग्राउंड में जाना जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। अगर हम नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें तो हम उसमें बिल्कुल सफल होते हैं। नित्य अभ्यास, थोड़ा रनिंग, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और अगर हम आगे किसी प्रतियोगिता में जाना तो उसके लिए थोड़ी और अधिक परिश्रम की ज़रूरत है, त्याग की ज़रूरत है, भावना की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा तो यही है भाई, हम सब नशों से बचे रहते हैं। सर, मैं एक शिक्षक हूँ, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनसे डील करता हूँ, उनको खिलाता था। उनको खिलाते खिलाते मेरे गुरुजी जो श्री ओम प्रकाश जी हमारे साथ ही हमारे, मैं इनका कलीग रहा हूँ, और इन्हीं से मैंने सीखा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि ये ऐसी एक बैटरन गेम होती है, उसमें हम जा सकते हैं। तो मैंने 2008 से वैसे शुरू किया था, उस वक्त मेरा सिल्वर मेडल पड़ा था रिले में, लगातार हम चलते रहे। फिर पूरे 10 साल के बाद मोहाली में मेरा एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्राउन मेडल मुझे मिले। और इस वक्त हमें ऑफर आया कि इंडिया लेवल के हम इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने जेवलिन थ्रो में ब्राउन मेडल हासिल किया, जिससे कि बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे भी प्रेरित होते हैं। और मैंने बच्चों को कराने के बाद मेरे बच्चे स्टेट लेवल तक चैंपियनशिप में हासिल किया। मैंने 1500 मीटर में और 3 किलोमीटर में दौड़ में हिस्सा लिया, जिसमें मेरे को दोनों में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मैं 2019 में प्रोफेसर पद से रिटायर हुआ हूं, लेकिन सेहत को बरकरार रखने के लिए मैंने ये खेलने शुरू की हैं, और ये इनका मेरे को बड़ा सराहनीय सहयोग रहता है मेरी तंदुरुस्ती बनाने के लिए। तो क्या संदेश हम लोगों को रहेगा, जो बुजुर्ग जो है वो अक्सर घरों में बैठे रहते हैं, या युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ जाती है? नशे से छूटने के लिए या जो घर में बैठे हुए हैं, मेरा ये मानना है कि आदमी को खेलों में या और किसी गतिविधि में अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ताकि वो तंदुरुस्त मन से, शरीर से और आत्मा से बना रहे।